तो पहला आपको एक सवाल दिया बच्चे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है माइनस टू इंटू पी बाई थ्री प्लस वन प्लस फाइव माइनस टू माइनस पी बाई टू माइनस वन इक्वल टू ट्वेल्व। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, माइनस टू लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करें ब्रैकेट को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ ब्रैकेट को ब्रेक करें तो यहाँ कितना बन जाएगा, आप लोग आवाज़, हाँ आवाज़ आना चाहिए, तो माइनस टू पी बाई थ्री, और देखो ये माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ ध्यान रखना, अगर माइनस इंटू माइनस है तो क्या जाएगा प्लस, और प्लस इंटू अगर माइनस है तो भी माइनस, माइनस इंटू प्लस है तो भी माइनस। तो किस केस में प्लस होता है, जब दोनों वैल्यू किस में हो, माइनस में हो। लेकिन देखो ये तो हो गया मल्टीप्लाई का रूल, ठीक है, बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज एक मल्टीप्लाई में और एक प्लस माइनस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर माइनस फाइव हो नहीं और माइनस थ्री हो तो आंसर क्या है इसका आएगा, एट। तो आपको यहाँ पे देखो ये ऐड है, ये क्या हमारा ऐड है, यहाँ आंसर क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, जैसे मान लो हम यहाँ पे देते हैं माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री, तो इसका आंसर क्या जाएगा माइनस, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। अभी जस्ट स्टूडेंट पढ़े ना, मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस माइनस प्लस जाता है, ऐड में प्लस नहीं होगा, ऐड में प्लस होगा लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। ऐड में क्या होगा, अगर दोनों साइन माइनस में है तो ऐड होकर साइन वही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस रहेगा, फाइव से जा फिफ्टीन ये आंसर आ जाएगा। तो दोनों में कन्फ्यूजन समझे, एक होता है मल्टीप्लाई का एक होता है माइनस वाला, तो जो अगर दो नंबर को ऐड कर रहे हैं माइनस में तो साइन वही रहेगा और मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई में किस में। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल से पूछ लेते हैं, जैसे मान लो माइनस थ्री और इंटू टू, तो देखो ये माइनस में और ये किस में है प्लस में, इसका आंसर कितना रहेगा, थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स। अब बताओ थ्री इंटू माइनस टू, इसका भी आंसर नॉट सिक्स प्लस माइनस है, क्या है प्लस माइनस है, तो क्या जाएगा माइनस सिक्स। चाहे प्लस माइनस हो, चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो दोनों केस में माइनस ही रहेगा, दोनों केस में क्या रहेगा, इसको आप लिख लो साइड में कहीं भी, आप इसको लिख लीजिएगा ये माइनस इंटू माइनस तो क्या जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और माइनस इंटू प्लस तो माइनस, इसको लिख लीजिए। और दोनों माइनस में हो तो ऐड होगा, प्लस नहीं ऐड होगा लेकिन साइन माइनस क्या रहेगा। अच्छा अब बताओ माइनस फाइव और प्लस एट, इसका आंसर क्या जाएगा, यही तो आप लोग गलती कर रहे हो, माइनस थर्टीन नहीं बच्चा प्लस थर्टीन, अब भी गलती है। अच्छा एक चीज बताओ, आपके पास एट प्लस में है ना और फाइव किस में है, देखो आप लोग यही मिस्टेक करते हो, क्या होगा थ्री होगा, तो आपने पहले भी गलती किया, यही सब छोटा जो बेसिक जो प्रॉब्लम आप लोग का, इस वजह से सवाल नहीं बनता आप लोग से। तो पहले ध्यान रखना क्या कि देखो इसमें बड़ा कौन है एट, और साइन क्या है इसका माइनस, तो एट में से फाइव जाए कितना जाएगा थ्री, क्लियर है कि नहीं समझा अभी भी। अब दोबारा पूछते हैं माइनस एट और प्लस थ्री, अब बताओ इसका वैल्यू नॉट फाइव, अच्छा माइनस एट है तो बड़ा कौन इसमें है, एट बड़ा है, तो जो बड़ा था साइन उसी का आएगा, जो बड़ा साइन जैसे देखो इस दोनों में बड़ा कौन था एट, तो देखो एट का साइन आया प्लस, और इस दोनों में बड़ा कौन है माइनस बड़ा है, तो एट में से फाइव थ्री घटाओ तो माइनस फाइव, लेकिन दोनों जब माइनस में हो तो ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस हो तो, और साइन माइनस ही रहेगा। जो आपका बेसिक जो प्रॉब्लम है उस वजह से सवाल आपका अटक जाता है या राइट आंसर नहीं आ पाता है। तो माइनस प्लस का कन्फ्यूजन दूर हुआ आपका, कब हमको प्लस लिखना है कब इसको माइनस लिखना है, जब दोनों नंबर क्या हो माइनस में और मल्टीप्लाई में हो तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस में और बीच में मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई हो माइनस, और माइनस प्लस में और बीच में मल्टीप्लाई हो तो क्या जाएगा माइनस, और दोनों नंबर क्या हो एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा हो तो साइन किसका आएगा वैल्यू, वेरी गुड, नंबर किसका आएगा, अगर दोनों नंबर नेगेटिव में हो तो किसका क्या आएगा साइन, दोनों नंबर नेगेटिव और ऐड में हो, दोनों नंबर नेगेटिव और ऐड में हो, जैसे दोनों नंबर क्या है इसमें नेगेटिव में है ये और ये क्या है ऐड में है ना, ऐड का मतलब अगर इसको लिख सकते हैं माइनस फाइव और प्लस माइनस
3 लिख सकते हैं इसको ऐसे ना, तो प्लस माइनस फिर क्या जाएगा माइनस, तो माइनस 5 माइनस 3 इसका आंसर क्या जाएगा माइनस 8, तो दोनों ऐड होकर माइनस में ही रहेगा आंसर। यहाँ तक कन्फ्यूजन क्लियर आपका? अब सवाल को देखते हैं हम लोग, ठीक है। दोबारा इस चीज़ को हम लोग नहीं बताएंगे, अगर आज कन्फ्यूजन है तो आज इसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि बच्चे लोग आज तक पता क्लास 10 तक के बच्चे भी इसमें रहते हैं कन्फ्यूज, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे लिखा हुआ माइनस 2, अब आप लोग बताओ फटाफट, आपका आवाज़ आनी चाहिए। माइनस 2 है और यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 है, तो माइनस 2 को प्लस 1 से गुणा करो कितना आएगा 2, वेरी गुड, माइनस 2। अब प्लस इसको गुणा करो, देखो माइनस लिखा हुआ है, तो देखो फिर से प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, यहाँ समझा माइनस क्यों यहाँ आया, क्योंकि यहाँ से प्लस को गुणा कर रहे किससे, तो प्लस माइनस माइनस, और यह जाएगा 5p अब बाई 2, उसके बाद देखो यहाँ प्लस फिर माइनस है, तो ये तो माइनस ही रहेगा, यहाँ जाएगा 5 इक्वल टू 12। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है सिंपल सा बात, हमने पहले बता चुके हैं आपके क्लास स्टार्टिंग में ही, लाइक टर्म को देखना है, क्या देखना है लाइक टर्म, इसमें लाइक टर्म कौन कौन है, तो देखो ये P वाला है और ये भी P है, तो इसको एक तरफ ले जाओगे, और ये जो ये नंबर है ये भी नंबर और ये भी नंबर है, इसको एक तरफ कर लो, तो मतलब कॉन्स्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ, बहुत बेसिक बात है, तो इसको इधर लिख लो माइनस 2P अब बाई 3 अब माइनस 5P अब बाई 2, और इसको इधर ले जाओ, देखो इधर इधर लिखेंगे 12 और माइनस 5 और माइनस, देखो दोनों बताओ क्या हो जाएगा 7, देखो दोनों नेगेटिव में है तो ऐड हो जाएगा ना, अभी जस्ट बताया आपको ये सब मिस्टेक कर दो, तो माइनस 5 अब माइनस 2 कितना जाएगा माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, और इधर इधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस 7, क्योंकि साइन चेंज कर दिए, क्या किया हमने साइन चेंज किया, क्लियर यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन आपको बाबू? चलिए अब यहाँ पे इसका क्या लेंगे हम लोग, ये फ्रैक्शन में है क्या है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग किस कौन सा स्टेप में क्या कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन है दोनों फ्रैक्शन में, यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 6 आ जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई ले लेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितने बार आ जाएगा ये 2 बार में, 2 को से गुणा करो कितना जाएगा माइनस 4p, अब माइनस ये कितने बार आ जाएगा 3 से गुणा करिए 15p, मतलब इसका कितने बार का मल्टीप्लाई है, जितना मल्टीप्लाई था उसको इससे गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 है यहाँ पर 6 है, तो 3 को 6 से डिवाइड कर दो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 को इससे गुणा कर दो, यहाँ पर 2 आ रहा है यहाँ पर 6 है, इसको 2 से 6 से डिवाइड कर दो, 2 को 6 से डिवाइड कितना आएगा 3 आ रहा है, 3 को इससे गुणा कर दो, ठीक है। और इधर कितना बन जाएगा 19 ना, ठीक है। अब इसको घटा लो, देखो दोनों पी में है, सुनो सॉरी घटाएंगे नहीं ऐड करेंगे, माइनस 4p है और माइनस 15p लाइक टाइम है, तो जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ऐड करो, तो 15 प्लस 4 कितना जाएगा 19p माइनस, हाँ वेरी गुड, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 19p डिवाइड बाई कितना है 6 इक्वल इधर कितना है, अब याद करो ये हो गया a बाई बी इक्वल टू सी बाई, और हमने कहा था अगर ऊपर कट रहे हो तो काट सकते थे, 90 कट जाएगा, कट गया, लेकिन यहाँ क्या बच गया माइनस पी बचा, यहाँ क्या बचा और नीचे क्या बच गया इधर क्या बच गया 1, तो इसको इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर दो, तो पी का मान आ जाएगा और माइनस को इधर ले जाओ तो माइनस 6, तो चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे यहीं से कि यहाँ पी लिखा हुआ है 6 को उठाकर इधर ले जाएंगे, तो पी का मान कितना जाएगा माइनस 6, समझ रहा है आप लोग का, क्या आपका आंसर माइनस 6 आया था बच्चे, ठीक आपका आंसर नहीं आया था, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का प्रॉब्लम कहाँ है, बेसिक प्रॉब्लम है कि कहाँ पे ऐड करना है, साइन क्या आएगा, साइन का प्रॉब्लम है, अगर आप साइन का प्रॉब्लम को दूर कर लेते हो कि दोनों माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस होगा, प्लस माइनस करें तो माइनस होगा, ठीक है। अगर दोनों नंबर नेगेटिव में हो तो ऐड करके साइन माइनस में रहेगा, अगर नंबर कोई छोटा है और नंबर बड़ा है तो उसमें देखना कि कौन सा नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा, तो अगर ये सब बेसिक ध्यान रखोगे तो आपका कोई भी सवाल मैथ्स का कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, और कुछ देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है।